हेलो फ्रेंड्स, आप में से ज़्यादातर लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा। अक्सर ट्रेन में सफ़र के दौरान रास्ते में कई छोटे बड़े स्टेशन आते हैं, जैसे कि आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली जंक्शन, कानपुर सेंट्रल आदि। क्या कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि स्टेशन के नाम के पीछे जंक्शन, टर्मिनल और सेंट्रल क्यों लिखा जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको नई जानकारी मिलने वाली है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना, कमेंट भी ज़रूर करना। पहले नंबर पे है दोस्तों जंक्शन। जंक्शन स्टेशन की वह कैटेगरी होती है जहाँ पर दो या दो से अधिक ट्रेनों के लिए रूट निकलते हैं। ऐसे स्टेशनों पर एक साथ दो रूटों से ट्रेनें आ भी सकती हैं और जा भी सकती हैं। जंक्शन स्टेशनों के रूट आगे जाकर दूसरे शहरों से मिलते हैं। नंबर दो पे है दोस्तों टर्मिनल। आपने कई सारे स्टेशनों के नाम के पीछे टर्मिनल लिखा देखा होगा। जिन स्टेशनों के आगे कोई रेलवे लाइन नहीं होती उन्हें टर्मिनल कहते हैं। इन स्टेशनों पर ट्रेन आने के बाद आगे नहीं जा सकती क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं होता, तो ऐसे स्टेशनों को टर्मिनल कहते हैं। जैसे दिल्ली में है आनंद विहार टर्मिनल। नंबर तीन पे आता है दोस्तों सेंट्रल। सेंट्रल उन स्टेशनों के नाम के पीछे लिखा जाता है जो शहर की गतिविधियों के केंद्र हैं। ये शहर के सबसे पुराने स्टेशन होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण भी होते हैं। ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। यहाँ पर देश के कई बड़े शहरों से ट्रेनें आती हैं और जाती हैं। सेंट्रल स्टेशन बड़े बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। रोज़ाना करोड़ों लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं। बड़ा नेटवर्क होने की वजह से भारत में करीब 7,349 रेलवे स्टेशन मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।